मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांनी ठाकरे सरकारवरती हल्लाबोल केलाय. मुस्लिम मुलांनाही शिकायचंय, त्यांनाही आरक्षण द्या. सेक्युलरिझम या शब्दानं मुस्लिम समाजाचं नुकसान केलं, अशा शब्दामध्ये ओवैसींनी सरकारवर हल्लाबोल केला. काल मुंबईतल्या चांदिवळीमध्ये एमआयएमची सभा पार पडली आणि या सभेमध्ये औरंगाबादचे एमआयएम खासदार इम्तियाज जलील यांनी देखील ठाकरे सरकारवरती त्यांनी हल्लाबोल केलाय. दरम्यान परवानगी विना सभा घेतल्या प्रकरणी नियोजकांवरती पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. असदुद्दीन ओवैसी यांनी मुस्लिम आरक्षणावरून राज्य सरकारवर नेमकी काय तोफ डागली आहे पाहूया. मुसलमान उस दस्तरखान पर नजर नहीं आता जिस पर बोटियां हैं, बड़े बड़े खाने हैं और उस टेबल पर तीन ही लोग बैठकर दबा दबा कर खा रहे हैं, जिसका नाम उद्धव ठाकरे भी है, जिसका नाम शरद पवार साहिब भी है और कांग्रेस के कौन है कौन कहने नहीं मालूम. जो भी है आप कहां है बताइए. आप तो बावर्ची खाने के पास भी नहीं है, आप तो बटलर भी नहीं है. आपका काम यह है कि इनको खाना पकाने के लिए हर चीज मुहैया करो और जब खाना पक जाएगा तो ये तीनों बैठकर खा लेंगे और हम ललचाई नजरों के साथ अपने बच्चों को भूखा रखकर अपने घर में चराग नहीं जलाकर इन जालिमों को हमने इख्तदार दिया क्यों दिया. इन्होंने कहा था कि मजलिस को वोट मत दो, मजलिस वोट काटेगी. आपने उन पर भरोसा किया. अब देखो दस्तरखान पर कौन बैठकर दबा दबा कर खा रहा है. मैं पुकारता रहा और कहता रहा कि देखो बीजेपी शिवसेना को तुम नहीं रोकोगे, ये इख्तदार में आएंगे, यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको धोखा देंगे. मगर मुसलमान मासूम है, दस्तरखान पर बैठने के लिए तड़प रहा था मगर मालूम क्या हुआ, वोट तो मिल गया मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाकर शिवसेना से हाथ मिला. रिजर्वेशन कहां गया बताइए आप. मजलिस को वोट नहीं दिया गया. मैं इकरार करता हूं आपके फैसले का, उसकी इज्जत भी करता हूं. जमहूरियत में आपके अख्तियार है कि आप किसी को भी वोट दें मगर सवाल यह पैदा होता है कि कब तक आप धोखा खाएंगे, कब तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.